हेलो दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नया दिन, एक नया ब्लॉग और उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों से आप सभी का इस नए ब्लॉग में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो जैसा कि पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, हम किसी दूसरे गांव आए हुए थे, तो आज यहाँ से हमारी वापसी है। तो आज मौसम थोड़ा बहुत साफ लग रहा है, इधर धूप भी आ रही है, कोहरा भी लगा हुआ है। कल बारिश में भीगते भीगते आए थे, अब देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। तो चलिए दोस्तों, इस गांव से हम लोग निकल चुके हैं अभी, और अभी हमें जाना है फिर से वहां गाड़ी पकड़ने के लिए। तो गधेरे की तेज़ आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। कल जब हम इस तरफ से जा रहे थे उस वक्त धूप नहीं थी, कम से कम आज एकदम चटक धूप लगी है। मौसम देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है। तो ज़्यादा बारिश भी ना मूड ख़राब कर देती है, बारिश भी लिमिटेड, कोई भी चीज़ हो लिमिटेड ही सही रहती है। तो फिर से पहुंच गए हैं इसी पुल में। इस पुल में चलते हुए जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया, डर लगता है क्योंकि ये पुल हिलता रहता है जैसे जैसे इस पे आदमी चलते हैं, फिर कोई भी चलता है। हम निकल नहीं चला, सीधा सीधा। चलिए जी, हम पहुंच गए हैं मेन रोड पे। यहाँ पे ये गाड़ी जा रही है। बीरो खाल बट चल दूला अच्छी से मट चल दूला। ये गाड़ लेना मेले आज हम लोग इस रोड से जा रहे हैं, पखोली, भमरई और ये चंदोली होते हुए बीरो खाल पहुँचेंगे। Thank you.
तो मुझे लगा आज मैं बीरो हाल बहुत जल्दी पहुंच गया क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं। एक्चुअली आज संडे है और आज यहाँ मार्केट बंद रहती है। तो ये हमारा बीरो हाल, हम पहुंच गए बीरो हाल में। और ठीक ठाक चाय बैठा ना कि दे जाए क्या हो रहा बस यखता की यखता की अभी हूँ मैं बीरो हाल में एक दुकान में, हमारी गाड़ी आ रही है, तब तक कुछ ले लेते हैं बच्चों के लिए यहाँ से। तो भाई साहब, पारस भाई को नई गाड़ी लेने पे बहुत बहुत बधाई हो। सब लोग शुभकामनाएं प्रेषित करें पारस भाई को और सब लोगों को पार्टी मिल चुकी है और हमें क्या पार्टी मिली है। ठीक है, तो इसके लिए थैंक यू, वो बात अलग है, अपने पैसों से ले रखी है। पारस भाई दिलाएगी मैठना घाट से। तो पारस भाई कैसा लग रहा है नई गाड़ी में? बहुत बढ़िया। फिलहाल शुभारंभ कर रहे हैं हमारे बब्बू भाई, पिछले ब्लॉग में मुझे कांडा तक छोड़ा था, चुनाव तक। हाँ, मतलब इस रोड पे जो भी नई गाड़ी आती है उसका शुभारंभ बब्बू भाई के कर कमलों से होता है। हाँ। सबसे बुजुर्ग सीनियर बाबा कितने अच्छा 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 क्रिप्टो ओम पी क्या अपो बच्चा खन के ले आ रो हाई ना ये ना क्या चाहे मैं बच्चा था ही रुक जा के मा आयु कपड़ों का हाल क्या कह रही तेला मैं चार्जर चौखन तेरे कुछ नहीं ले आ रहा मैं कुछ नहीं ले आ रहा मैं तेखन कनकारे तेखन मैं चीज़ ना ले मैं तेखन और वो क्या कर लेगा क्या करने है नहीं ले मैं तेखन चीज़ या खन रखियो बाटले बच्चा खन है बब्बा और थनी बता हाँ बब्बा और थनी बता ली पक्का हर कुछ नहीं हर मैं आके हम रचो खन धन्यवाद शुक्रिया रुक जा Hello, baby.
अक्सर मोर रखा था गंदू गंदू सा, अब मैंने उसको नहला धुला के कर दिया एकदम हीरो टिच। हेलो अब कौन लगन चे क्या चे इना पर दिन दे चल हैंग दा दिल तो कान में लाना तब दे दे आज कान में लाना की ना ये चीज बनाई सकते हो फटाफट पैर नखरा के लगानी जाए चल रहे जाए मैं गरम हूँ इनो दुत्त चू तो दोस्तों घर में आके कपड़े बदल लिए, अब तैयारी है खाना खाने की। सक्षम को नहला दिया, बहुत गंदा हो रखा था मतलब उसके कपड़े वगैरह। तो अभी माँ और भाई आ रहे हैं इधर उधर से, तो फिर खाते हैं हम लोग खाना। तो चलिए दोस्तों खाना खा पी के अब रेस्ट करते हैं और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। तो एक्चुअली पिछली वीडियो में कई लोगों के कमेंट्स थे कि हम कहाँ गए थे, किस उद्देश्य से गए थे, वो मैंने वीडियो में नहीं बताया। तो ऐसे ही हम लोग रिश्तेदार में भी जा सकते हैं, तो मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोगों के यही कमेंट्स रहते हैं कि आप लड़की देखने जा रहे हो, लड़की देखने जा रहे हो। तो कितनी लड़की देखूँगा ऐसा नहीं है कि हर बार मैं लड़की देखने ही जाता हूँ। तो इस विषय पर मेरी हो सकता है एक अगली वीडियो आएगी जो आपको हिला के रख देगी। अगर वो वीडियो मैंने डाली तो आप देख लेना, बहुत खतरनाक सच्चाई है मेरी। तो वो कोशिश करूँगा उस वीडियो में बताने की, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि शादी क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसका जवाब है उस वीडियो में। फिलहाल आप लोग उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और पहली बार चैनल पे आए थे तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं जल्द अगले नए ब्लॉग में, तब तक बाय।